भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हंगामे की ये तस्वीरें पौटा साहिब के मतगणना केंद्र के बाहर की है। रात के अंधेरे में हंगामे के साथ साथ लोग ऊर्जा मंत्री के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। आखिर ये पूरे का पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूरा का पूरा आवाम मंत्री के मतगणना केंद्र में अनायास घुसने से खफा है। मंत्री जी चुनावी परिणामों के दौरान बॉय स्कूल तारूवाला के मतगणना केंद्र में पहुंच गए। लोगों को भय था कि कहीं मंत्री अपना दबाव बनाकर प्रशासन से मतगणना करने में हेराफेरी करवा सकते हैं। इसी बात को लेकर पौंटा की जनता आक्रोशित हो उठी और लगातार नारेबाजी के साथ साथ मंत्री को कोसने लगी। शिलाई के विधायक व पौंटा साहिब के पूर्व विधायक भी इसी बीच मतगणना केंद्र के बाहर पहुंचे और मंत्री की एंट्री की खिलाफत की। यहां प्रेस के सभी बंधु और लोग देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम जी यहां जहां काउंटिंग हो रही है पौंटा में तारूवाल सीनियर तारूवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वहाँ प्रवेश कर गए। बहुत सारे लोगों ने उनको देखा, रोकने की कोशिश भी करी और ये प्रशासन की लापरवाही है और ये मिलीभगत है कि सुखराम चौधरी को यहाँ जहाँ काउंटिंग हो रही है पंचायत के चुनाव, जिला परिषद और बीडीसी की, उसमें इन्होंने अलाउ कर दिया है यहाँ पे अंदर आने दिए। आज जनता जो है उग्र है, बाहर गेट तोड़ने को तैयार है। यहाँ हम देख रहे हैं सुखराम चौधरी जी को कहाँ छुपाया गया है। पुलिस का कहना है कि भई चले गए हैं यहाँ से, मगर हमें भी विश्वास नहीं है वो यहीं कहीं छुपे होंगे, क्योंकि जिस दरवाजे से वो बाहर जहाँ आए हैं उस दरवाजे से वापस जाना चाहिए। आज जनता उग्र है यहाँ पे और मैं कहना चाहूँगा ये सुखराम चौधरी जी को शर्म आनी चाहिए, जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री के बैठे हैं, राजनीतिकों को और पॉलिटिशियनों की जो गरिमा को गिरा रहे हैं। यहाँ सुखराम चौधरी जी का आने का क्या तुक बनता है? अगर गिनती हो रही है, चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसमें किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का, विशेष करके सत्ता पार्टी के लोगों का आने का तुक ही नहीं बनता है। इससे क्या वो प्रश्न उठता है कि वो हेराफेरी कराने आए थे? सुखराम चौधरी जी यहाँ किससे मिलने आए थे, क्या करने आए थे, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करने हुए आए थे यहाँ जहाँ पे काउंटिंग हो रही है? क्या तुक बनता है उनका? तो सीधा ये मेरा आरोप है सरकार पे और प्रशासन के ऊपर कि इन्होंने सुखराम चौधरी यहाँ पे अपने जो प्रत्याशी है पुरुवाला वार्ड से, जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जो जीत रहे थे 44 वोटों से जीत रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर के प्रशासन पे दबाव डाल करके अपने भाजपा के जो बीडीसी मेंबर है उसको 88 वोटों से उन्होंने जिताने की कोशिश की गई। इस भीड़ में अधिकतर स्थानीय मतदाता थे, साथ ही कांग्रेस समर्थित लोग भी थे जो हो हल्ला मचाने लगे, जमकर नारेबाजी करने लगे। देर रात तक मतगणना केंद्र के बाहर हंगामा होता रहा। कुछ ने मतगणना केंद्र के बाहर का गेट तोड़कर अंदर भी घुसना चाहा, लेकिन पुलिस जवानों ने ऐसा नहीं होने दिया। चंद पुलिस वालों ने ही हजारों की भीड़ पर नियंत्रण बनाए रखा। तस्वीरें दूसरे दिन की है। यहाँ दिन की रोशनी में ये धक्का मुक्की करते हुए डीएसपी पौंटा वीर बहादुर सिंह दिख रहे हैं, जो व्यापार मंडल के प्रधान को सरेआम गेट की तरफ धक्का रहे हैं। यहाँ दूसरे दिन व्यापार मंडल के प्रधान ने भी गेट के अंदर घुसकर नारेबाजी शुरू की थी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तो पुलिस अधिकारियों को भी सख्ती से पेश आना पड़ा। अपनी नौकरी का हवाला देते हुए अंदर घुसे नेता को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा, जबकि देर रात को मंत्री को मतगणना केंद्र के पिछले गेट से चुपचाप रवाना किया गया था, जिसको लेकर ये सारा हंगामा हुआ था।
यहाँ पुलिस के भी दो रूपों के जनता ने दर्शन कर लिए। किस तरह से सरकार के साथ की जिम्मेवारी निभानी पड़ती है और जरूरत पड़ने पर सरकारी रोब भी कैसे दिखाया जाता है। क्या पुलिस ने एक्शन लिया? ये जो जिला परिषद और बीडीसी के चुनाव हुए हैं, इसमें मतगणना यहाँ पर तरुवाला सिंह स्कूल में हो रही थी, तो इसी के तहत पिछले शाम को थोड़ा सा लोगों में छोटी मोटी बातों को लेकर, जैसे आपसी विवाद हो गया था, राजनीतिक रूप से विवाद थोड़ा सा हो गया था, जिस पे कुछ लोगों ने रोष भी प्रकट किया था। अभी दिन में भी थोड़ी सी बात हुई थी, बट कोई भी ऐसी तनावपूर्ण स्थिति नहीं हुई और मौके पर जो है पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थिति को संभाल लिया। हकीकत और सत्यता तो ये भी है कि चौधरी सुखराम ने मंत्री पद की गरिमा को इस चुनाव में तार तार करके रख दिया। छोटे चुनाव में मंत्री को जिस प्रकार हर घर में, गली में, कूचे में और द्वार द्वार पर वोट मांगने जाना पड़ा, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में क्या हालात होंगे। चुनाव परिणाम संपन्न होने के बाद मंत्री की प्रक्रिया आती है। ये सब कांग्रेस की बौखलाहट का सबूत था। कांग्रेसी तो अपना प्रत्याशी तक चुनावी मैदान में नहीं उतार सके। बहुत बड़ा कारण है। आज कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा, एक घंटा तक अंदर है। हमने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मैं तो गेट क्रॉस करके ही गया था मुबारकबाद देने, 7 बजे, एक फुट अंदर था मैं केवल मात्र। इससे पता लगता कि कांग्रेस कितनी बुखलाहट में है। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने भी कहा जब ये अंदर घूम रहे हैं, मैंने कहा घूमने दो अंदर, वातावरण को शांत रखें। इसलिए मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, संयम से काम ले, शांति से काम, ये कुल जरूर बातें करने का वक्त नहीं है। हमारा एक ब्लॉक समिति का सदस्य जीता और जो दूसरा लड़का खड़ा था वो भी भाजपा समर्पित कार्यकर्ता है। जब हमने कैंडिडेट डिसाइड किए थे तो वो हमारे पैनल से क्यों लड़ना चाहता था, हमारा सक्रिय कार्यकर्ता है। मैंने सोचा चलो दोनों से मिलकर आऊंगा, इसलिए मैं वहां पर गया था। इसलिए कांग्रेस तो एक ऐसी पार्टी है, वो अपना कैंडिडेट भी नहीं दे सकी। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां उनका कैंडिडेट ही नहीं था। उन्होंने हाथ जो हमारे दो लड़े थे उसके ऊपर एक प्रहार रख दिया। तो इसलिए ये जो इस तरह की बातें घटित होती हैं, जिस तरह का घटिया प्रदर्शन कांग्रेस के लोगों ने वहां किया,